प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर में बहुत आनंदित और खुश हैं। आज हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे कि कैसे हम अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने समय का उचित उपयोग करते हैं? कहीं ये तो नहीं जो समय आपके पास बचता है आप उसे समय को बर्बाद करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट्स और नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ों को देखकर जिसके द्वारा हमारा समय शैतान चुरा ले जाता है। आज आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। एफिशिएंस उसकी 5 अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मैं फिर से ये वचन आपके लिए दोहराना चाहूँगा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसी तरह से सिखाता है, जिस समय भी आपके पास समय मिलता है, देखिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो भोर के समय परमेश्वर आदम को मिलने आया करता था। हालेलुया। कि समय भोर के समय, ये तो सुनिश्चित है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है 1 घंटे सुबह और शाम को, परंतु वचन हमें यह भी कहता है कि लगातार प्रार्थना करते रहो। जब हम मत्ती की किताब उसकी 26 अध्याय और 41 आयत में देखते तो प्रभु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या कहता खुदा का कलाम? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब भी हम समय मिले, जब भी वक्त मिलता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास जॉब करते हैं, मेरे एक फ्रेंड्स है, मैं आपके साथ उसकी एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप कितने समय प्रार्थना करते हैं, जस्ट एज ए फ्रेंड। तो उसने मुझे बोला कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है कि मैं जॉब करता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को जॉब पे जाना पड़ता है और शाम को समय बचता है तो वो मैं समय प्रभु को देता हूँ। परंतु मैंने उससे कहा, क्या तुम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते? वेक अप इन द मॉर्निंग 5 o'clock, उठो 6 o'clock, उठो और 1 घंटा प्रार्थना करो। ये बहाने नहीं चलेंगे। क्यों? क्यों हम शैतान को मौका दें कि वो हमें हमारे जीवन से उन आशीषों को जिन्हें परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमसे छीन ले? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सबको वरदान दिए हैं, सबको, सबके पास अलग अलग वरदान है, चंगाई का, किसी के पास गैर भाषा का, उसको ट्रांसलेट करने का, 9 वरदानों से कई भरे हुए हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परंतु सबके पास परमेश्वर ने एक चीज जो सामान्य है, जो बराबर है, वो है सबको परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। मैं अपनी बात आपसे बताना चाहता हूँ, जब मैं ऑफिस में था, मैं जॉब करता था डिजाइनिंग की, तो मैं सुबह तो प्रार्थना करता था, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता था, जब भी लंच टाइम पे, मैं हमेशा अपने पास नया नियम रखता था। मेरे पास केवल 1/2 घंटा होता था जिसमें से मैं 10 मिनट में लंच को फिनिश करता और 20 मिनट में, वो जो 20 मिनट होते थे मेरे पास, मैं उसमें से खुदा के कलाम को पढ़ता था, सीखता था। कहता कि तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो। जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो ये एक दर्पण है जिसके द्वारा हम अपने आप को स्कैन करते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन से वो कमजोरियां जो हमें दिखती नहीं, जो छिपी होती है, लेकिन वचन उसे उजागर कर देता है। और वचन के द्वारा, वचन कहता है कि तुम मसीह में चलते रहो और सिद्ध हो जाओ। ये वचन ही है केवल जो हमें सिद्ध करता है, जो हमें उचित मार्ग पर ले चलता है। वचन के द्वारा आशीष को पाते हैं, वचन के द्वारा एक गहरी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, वचन के द्वारा हम अपनी तमाम बुराई आदतों से आजाद हो जाते हैं। अपने समय को व्यर्थ ना करें, अपने समय को व्यर्थ ना करें, मैं फिर से कहना चाहता हूँ।
क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 3 आयत में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। क्या कहा खुदावंद ने? अपने तमाम कामों को यहोवा पर डाल दे क्योंकि तुम्हारी कल्पना। क्या आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं नहीं चलती कि प्रभु मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है प्रभु, ऐसा करना है मुझे, ये करना है प्रभु, वो करना है। पर परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं अपने तमाम कामों को यहोवा पे डाल दे, अपने मुक्तिदाता परमेश्वर खुदावंत प्रभु यीशु मसीह पर, कहता कि हमारा फ्यूचर्स स्टार्ट जो होता है वो मसीह में, खुदावंत यीशु मसीह में ही है हमारा फ्यूचर और कहीं नहीं। जब आप प्रभु कहते हैं कि मुझसे मां तो तुम्हें दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ दिया जाएगा, तो वो किस तरह मिलता है? उसकी आज्ञाओं के द्वारा। उसकी आज्ञाओं के यदि आप विपरीत चलते हो तो आप बहुत सारी आशीष को अपने जीवन से खो बैठते हो। यदि आप चाहते हैं कि जो कल्पनाएं आप करते हैं वो सिद्ध हो, तो वचन क्या कहता है? अपना विश्वास, अपना भरोसा यहोवा पे डाल दे। जब आप अपने कामों को यहोवा पे डालते हो तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। अपने समय को व्यर्थ ना करें। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको वक्त मिले, परमेश्वर का कलाम उसका वचन अपने आप को फीड करें, भरे वचन से अपने आप को, क्योंकि यही वो समय है अब बटोरने का, एकत्रित करने का खुदा के कलाम को, उसके वचन को, क्योंकि एक समय आने वाला है, बहुत जल्द एक समय आने वाला है जब हम सब धसेंगे, बाइबल्स बैन कर दी जाएंगी, परंतु अब ये समय है कि आप खुदा के कलाम को, उसके वचन को अपने दिल में, दिल की पट्टी पे लिख लें। परमेश्वर ने मोसेस को जो वचन दिए वो पत्थर की पट्टी पे थे, परंतु जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहाया तो उसने उन वचनों को हमारे दिल की पट्टियों पे लिख दिया। सो दिस इज द टाइम, बटोरो जितना बटोर सकते हो, मॉर्निंग, मिड टाइम्स, इवनिंग टाइम्स, जब भी समय मिलता है बटोरो खुदा के कलाम को, एकत्रित करो अपने समय को, चिट चैट्स में, व्हाट्सएप, यूट्यूब्स, नेटफ्लिक्स पे फिल्म्स, ये सब चीजों में व्यर्थ ना करें। अगर आपको कैम पेट्रोल देखना है तो भाइयों बंद कर दो उसे, हर उस चीज को जिसके द्वारा आपके जीवन में नेगेटिविटी आए, हर उस चीज को अपने जीवन से अलग कर दीजिए जो आपको मसीह से दूर करने की कोशिश करती है। फरीसी और सदूकी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे रब्बी, हमें बता कि सबसे पहला हुक्म क्या है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला, सबसे बड़ा हुक्म यही है, पूरे दिल और पूरी जान से अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपने खुदा से क्या करें? प्रेम करें। और इससे उत्तम और बड़े कोई बात नहीं। जब यूहन्ना बूढ़ा हो चुका था, जब बूढ़ा हो चुका यूहन्ना, तो कुछ प्रेरित उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बता कि सबसे उत्तम शिक्षा क्या? उसने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। वचन ही है जो हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रेम करना, प्रेम करना। अपने जीवन को बदले, समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि कलाम कहता है बहुमूल्य समझे समय को, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप देख सकते हो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे किस तरह से मसीह लोगों का विरोध हो रहा है, परंतु प्रभु क्या कहते हैं? धन्य वो मनुष्य
जो हम्बल है, जो नम्र है। क्यों? क्योंकि वही पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रभु ने कहा यदि कोई एक गाल पे तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। गाली के बदले गाली नहीं, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं, परंतु क्या करना है? प्रेम, बस प्रेम, बस प्रेम। इससे बड़ा और कोई भी हुक्म पूरे कलाम में नहीं है। पूरे दिल, पूरे चाह, रूह से खुदा से प्रेम करें। और वचन सिखाता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वही उसके हुक्मों की पालना करता है। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में मैंने एक बहुत खूबसूरत वचन को पढ़ा, कहता तुम यदि मसीह पर विश्वास करती हो, मसीह यीशु पर, तो तुम इस संसार पे विजय प्राप्त करोगे। द वन वे, ओनली वन वे, द जीसस, थ्रू द जीसस यू ओवरकम द होल नेशन। केवल मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा, मसीह के द्वारा, विजडम के द्वारा नहीं, सोच के द्वारा नहीं, पावर के द्वारा नहीं, केवल और केवल मसीह पर विश्वास के द्वारा। खुदा मन इस कलाम के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। लेट प्रे। गॉड, हम प्रार्थना करते हैं खुदा उन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो वचन हमने सीखा ये वचन हमारे जीवन को बदलने के योग्य हो जाए, हम इस योग्य बन जाए। प्रभु प्रभु तो हमारे दिल को बदल, हमारी सोच को परिवर्तित कर, हमारे ख्याल को परिवर्तित कर। हम अपने समय को व्यर्थ ना करें बल्कि उचित समझें और उचित जानकर हम तेरे कलाम को बटोरें। एकत्रित करें मेरे प्रभु, एकत्रित करें मेरे सेनाओं के यहोवा, एकत्रित करें मेरे खुदावन। इन जीसस नेम, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की।